साथियों, हम सभी के सम्माननीय महान कुशक बकुला रिम्पोचे जी ने अपना पूरा जीवन एक सपने के लिए खपा दिया था। लेह लद्दाख को शेष भारत से कनेक्ट करना और देश की एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करना ही पूज्य रिम्पोचे जी का सबसे बड़ा सपना था। केंद्र सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए यहां कनेक्टिविटी को एक नया विस्तार दे रही है। लेह लद्दाख को रेल और हवाई मार्ग से जोड़ने वाले दो बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इस क्षेत्र को पहली बार देश के रेल मैप से जोड़ने वाली रेलवे लाइन और कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट की नई और आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग दोनों ही यहां विकास को और गति देने वाले साबित होंगे। साथियों, तीन दशक पहले यहां जो बिल्डिंग बनाई गई थी, समय के साथ इसको आधुनिकता से जोड़ने, इसमें नई सुविधाओं का विकास करने के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया। आज नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है और बहुत जल्द ही लोकार्पण भी किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिसका शिलान्यास पहले किया था उसका लोकार्पण आज कर रहा हूं, आज जिसका शिलान्यास कर रहा हूं आपके आशीर्वाद से उसका लोकार्पण करने के लिए मैं ही आऊंगा। ये टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधा देने के साथ साथ अब ज्यादा यात्रियों को संभालने में सक्षम हो पाएगा। इसी तरह बिलासपुर मनाली रेल लाइन पर शुरुआती सर्वे हो चुका है, कई स्थानों में काम शुरू भी हो चुका है। जब ये रेल लाइन तैयार हो जाएगी तब दिल्ली से लेह की दूरी बहुत कम हो जाएगी। सर्दियों में तो यहां की सड़कें पूरी तरह से शेष भारत से कट जाती। ये रेल लाइन काफी हद तक इस समस्या को दूर करेगी। साथियों, किसी भी क्षेत्र में जब कनेक्टिविटी अच्छी होने लगती है तो वहां के लोगों का जीवन तो आसान होता ही है, कमाई के साधन भी बढ़ते हैं। टूरिज्म को इसका सबसे अधिक लाभ होता है। लेह लद्दाख का इलाका तो अध्यात्म, कला, संस्कृति, प्रकृति की सुंदरता और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां टूरिज्म के विकास के लिए एक और कदम सरकार ने उठाया है। आज यहां 5 नए ट्रैकिंग रूट को खोलने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने इन रूट्स पर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की वैधता भी 7 दिन से बढ़ाकर 15 दिन कर दी है। इससे यहां आने वाले टूरिस्ट शांति से पूरा समय लेकर अपनी यात्रा का आनंद ले पाएंगे और यहां के युवाओं को ज्यादा रोजगार मिल पाएगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि इस बार 3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट लेह आए हैं और करीब 1 लाख लोगों ने करगिल जी की विजिट की है। एक तरह से देखें तो कश्मीर में जितने टूरिस्ट अभी आए हैं उसका आधे
इसी क्षेत्र में आए हैं। वो दिन दूर नहीं जब लेह लद्दाख का टूरिज्म नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।